सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो यार ये व्लॉग आ रहा काफ़ी टाइम बाद, उसके पीछे ये रीज़न है कि मेरे घर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था यार, खाने का टाइम भी नहीं मिलता था मुझे। और उसके बाद छोड़ो, एक चीज़ ऐसी है जो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, मैं बिजी हूँ जैसा भी लाइफ चल रही हो यार, मैं कभी मिस नहीं करता, वो है जिम। बट जिम भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरे घर पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मेरे पापा और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था ऑफिस से छुट्टी लेके यार। तो उसके लिए सॉरी यार, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं यार, मतलब इतने ज़्यादा लेट आ रहे हैं। वीडियो मैंने 2 अप्रैल को शूट की थी, 2 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, पर मैंने उसको अपलोड किया 5 मई को यार, तो सॉरी उसके लिए यार, टाइम ही नहीं मिलता यार। लोग मुझे 5 मई को कर रहे हैं बर्थडे विशेस, मतलब यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली तो कमेंट सेक्शन में 5 मई को कर रहे हैं। एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था मेरे बर्थडे को है, तो मैंने वीडियो लेट डाली यार क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और छोड़ो, जो इसके यार थे ना यहाँ से गार्ड, लीवर प्रोटेक्टर थे, वो भी मतलब एक का टूटा था, वो सुधांशु ने तोड़ा था। तो ये क्या हो रहा है, फाइट गर्ल और लड़के की फाइट गाड़ी में, तो उसकी वो भी नहीं लगाया जा रहा मुझसे यार। मैंने अपने फ्रेंड को स्पेशल बोला था दिल्ली से भिजवाने के लिए, उसने भिजवाए, लीवर प्रोटेक्टर यहाँ से मिल नहीं रहे थे, जो मैंने पहले लगाए थे ना कार्बन फाइबर फिनिश पे, वो जम्मू में मिल नहीं रहे थे, तो मैंने स्पेशल दिल्ली से मंगवाया, बट वो भी लगवाने का टाइम नहीं यार। देखो कितना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ मैं, तो यार उसके लिए सॉरी। और इसके पीछे देखो यार, वीडियो लेट डाल के ना मुझे ही जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि यार पिछली वीडियो में मुझे 3.5 दिन में सिर्फ 19 व्यूज़ आए हैं यार, देख रहे हो यार, मतलब मेरी खुद की लगी पड़ी यार, लगे यार मेरे चैनल के। चलो कोई बात नहीं, फिर से अपने चैनल को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर से यार देखते हैं, फिर से पब्लिक आ ही जाएगी न्यू यार। तो सबसे पहले थैंक यू यार, अगर कोई मेरे ब्लॉग का वेट करता है, मेरे चैनल जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो थैंक यू यार सो मच, तुम्हारे लिए ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, नहीं तो होप खत्म हो चुकी होती मेरे अंदर की। तो काफ़ी देर बाद यार सैटरडे को मैं हुआ हूँ 1 महीने के बाद थोड़ा फ्री, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए। और ब्लॉग जो मैं बनाता हूँ ज़्यादातर वो सिद्रा के वहाँ पर होता है, तुम्हें पता है यार, तुम भी बोर होगे वो लोकेशन देख देख के। तो आज मैं जा रहा हूँ झज्जर कोटली नहाने के लिए, कटरा वाली साइड, और यहाँ का व्यू देखो यार इतना प्यारा ना, और हाईवे टोटली, यहाँ पे बाइक भगाने का मज़ा आता है, बट मैं करूँगा इन्जॉय, बाइक को ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, इसकी सर्विस भी नहीं कराई यार मैंने, अब इससे बड़ी लाने वाली बात मेरे पे कोई नहीं, इसकी सर्विस भी नहीं कराई, और इसलिए नहीं कराई क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। नॉर्मल तरीके की तरह नहा नहा के मैं भी बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज मैं बिना वस्त्रों के खुल्लम खुल्ला झज्जर कोटली में नहाऊँ ठंडे पानी से इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो वहीं जा रहा हूँ मैं आज बिना वस्त्रों के नहाऊंगा, थोड़ा अपनी बॉडी का प्रदर्शन करूँगा। व्यू देख रहे हो कितना तगड़ा आ रहा है, व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक कर रहे हो। मेरा बचपन से सपना था पहाड़ियों के पास घूमने का, बट मैं जा नहीं पाया, बट इस साल ज़रूर जाऊँगा श्रीनगर, जैसे तैसे करके अपने घर वालों के साथ घूमूंगा यार। तो वहाँ पे जाके ब्लॉग जब बनाऊंगा ना श्रीनगर में, तो तबाही वाले ब्लॉग बना के लाऊंगा, तुम्हें पता मेरी बकचोदी के बारे में। हाँ, हमारे ताए के साथ बनती नहीं थी, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं लगा पाते थे हम घर पे, पर इस बार ही जैसे तैसे करके तुम्हारे भाई ने अप्रोच डाल के काम लगवा दिया, और मेरे काम को कोई रोक नहीं पाया। और यार अपने ताए की वजह से मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता यार, मतलब मेरी खुशियों के हल लग जाते हैं जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूँ या उसको याद करता हूँ ना। बट मैं यार थोड़ा मजबूर भी हूँ, देखो गुस्सा निकालने के 2 तरीके होते हैं इंसान के पास, या तो पिटाई करो, या तो फाइट करो थोड़ी सी, है ना, लड़ाई झगड़े में जाओ, या तो फिर 2 गाली। बट मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ ना यार, मार सकता नहीं हूँ, ताया बड़ा मेरे से यार, ऑफकोर्स है ना, रिस्पेक्ट होती है, जैसा भी है तो ताया तो मार नहीं सकता, ऊपर से मैं अपने ताया को माँ बहन की गाली भी नहीं दे सकता हूँ कि मैं तो थोड़ी गाली दे के अपने दिल को थोड़ा शांत कर लूँ, थोड़ा तसल्ली दे दूँ, है ना, थोड़ा एग्रेशन बाहर निकाल दूँ। और मैं गाली इसलिए नहीं दे सकता उसको, माँ की गाली कैसे निकालूँ, माँ की गाली दूंगा तो मेरी दादी को गाली हुई है ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं अपनी दादी को क्यों गाली दूँ। और उसके बाद बहन को भी गाली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरी बूजी है, अगर बूजी को गाली कोई कैसे दे सकता यार। तो फिर रहे भाई, उसके भाई को गाली दे नहीं सकता हूँ, मेरा पापा है समझ रहे हो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ मैं यार, मतलब मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल सकता यार, इतना ज़्यादा तंग हूँ। तो तुम लोगों का गम कुछ भी नहीं है, मेरा गम देख रहे हो, मैं गाली भी नहीं बच सकता हूँ ताकि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो, है ना, सारे रिश्तेदार ही निकल रहे हैं आगे पीछे, इसलिए यार गाली भी नहीं दे सकता, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता हूँ। बट जैसे तैसे करके मैंने अपना छत जो था रिपेयर करवा लिया, गाइस मैं ज़्यादा जम्मू से बाहर गया नहीं हूँ अपनी बाइक पे, तो मुझे जम्मू का सबसे प्यारा व्यू यही लगता है, ये टंडो में सहना जो यहाँ में, बट मेरे पास अगर सुपर बाइक होती ना जिसमें मतलब डबल सिलेंडर भी हो वो भी चलेगा यार, इसकी साउंड थोड़ी ज़्यादा हो तो इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना भाई, मैं यहाँ पे उड़ाऊँगा टनल के बीच में ना, वो आवाज़ जब गूंजती है वो इतना ज़बरदस्त फील होता है ना यार, वो हारमोनी से जब चलती है ना तो मज़ा आता है, बट इस पर वैसी आवाज़ नहीं आती है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मतलब जब भी कभी मैं सुपर बाइक लूँगा, जब भी लूँगा, तो सबसे पहले भाई मैं राइड मारने इन टनल्स के बीच में आऊँगा। ये वाला व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, व्यू तगड़ा, सीधा देख के तुम बोर हो चुके होंगे, बट ये वाला व्यू चेक करो अब आप। इतनी दूर ज़्यादा राइडर्स आते नहीं है क्योंकि यार पेट्रोल खर्च होता है उनका ज़्यादा, जो मेन दिक्कत है। और यहाँ के राइडरों की एक ही बात है कि भाई थोड़े मतलब थोड़े से पैसे डाल के व्यूज़ अच्छे आ जाए वही चलेगा काम, है ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं भाई, सबका ठीक है, बट उसमें भी अपना ही है, मतलब सही सोचा उनकी, ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करना जब थोड़े में ही व्यूज़ आ रहे हैं।
तो गाइस हमारे सुधांशु जी आ गए हमारे साथ जज्जर कोटली में। राहुल, अरे राहुल यार सुधांशु ऐसे लग रहे हो यार। तो गाइस हमारे सुधांशु जी यहाँ से छलांग लगा के दिखाएंगे आपको। मेरे को यहाँ से डर लग रहा है सुधांशु जी। अरे नहीं नहीं ये ठीक है भाई। अरे उधर वो नहीं है, वहाँ पत्थर है। अरे भाई ये सब क्या सीन है भाई, तेरे अंदर डर नहीं है क्या? मौत तो जिन सबको आनी है। साले मौत तो आनी है पर ये नंगी मौत है। यहाँ जाएगा? अबे क्या कर रहा है? अबे इसके अंदर डर ही नहीं है बिल्कुल भी यार। भाई तू रहा उधर, मैं ऊपर ही हूँ। नहीं नहीं भाई, अरे भाई माफ कर ना ना भाई, मैं ऊपर ही रहता हूँ। मेरे को पानी से डर लगता बहुत ज्यादा, मतलब नंगा नहाऊंगा मतलब बिना वस्त्रों के नहाऊंगा बट अभी नहीं भाई, आराम से इंसानों की तरह जाऊंगा ऐसे नहीं। यार दोस्तों की मदद करें यार, बड़े गंदे बंदे हैं ये, ले पकड़ पकड़। हमको ही कपड़े खोल जाने पड़ेंगे। तो गाइस थोड़ा सा लफड़ा हो गया यार जज्जर कोटली में। वहाँ पे एक बाइकर्स का ग्रुप आया हुआ था और वो बर्नआउट कर रहे थे पानी के बीच में, और आगे ना थोड़ी सी आगे करके मतलब कुछ लोग पानी में नहा रहे थे, उनको थोड़ा सा बुरा लगा जो है वहाँ पे बर्नआउट कर रहे हैं। गंदा पानी जो मिट्टी वगैरह उड़ रही थी वो उनके ऊपर गई और उसी वजह से थोड़ा लफड़ा हो गया। यहाँ पे थोड़ी लड़ाई होगी, बहसबाजी हो, इसी वजह से मैं और सुधांशु वहाँ से निकल गए। हमने कहा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, लड़ाई वाला माहौल बन रहा है, तो यार हम निकल रहे हैं अब घर की ओर। और पता नहीं यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब भी मैं इन्जॉय करने आता हूँ दिन को राइडिंग के साथ, मतलब एक प्योर राइड एक अच्छी राइड कर रहा होता हूँ, बस ये लफड़ेबाजी हो जाती है, कभी कोई गिर जाता है तो कभी लड़ाई हो जाती है। एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का यार, काफ़ी ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो भी हॉस्पिटल है लोग, मतलब पीछे ही हुआ, यहाँ से थोड़ा सा पीछे हुआ एक्सीडेंट, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग गया है। और उस गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ अभी यार, पहले पीछे ही लगी थी, पता नहीं दोपहर का हुआ शायद से वो एक्सीडेंट, तो शायद दोपहर का उस गाड़ी का क्रैश हुआ है। तो आपको थोड़ी सी हालत दिखाता हूँ गाड़ी की। ओ बहन ये क्या सीन है ये क्या हुआ ये क्या हुआ हाँ उसकी टेंशन ही स्क्रैच ना आयो यार आगे है ना यार, अब मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मेरा भी क्रैश हो गया यार आज, शिट, उसकी वजह से मेरी बाइक पे ना थोड़े स्क्रैच आए होंगे यार। मेरा देखने का मन नहीं कर रहा, अगर मैं देखूंगा तो भाई पक्का दिल की धड़कने रुक जाएंगी अब मेरी। थोड़े मेरे जॉइंट पे भी पड़ा यार वो डंडा सा, पता नहीं क्या बकचोदी यार उनको, पता टू व्हीलर आ रही है क्यों बंद हुआ वो यार, शिट, दिन ही खराब है आज का। हे भगवान प्लीज़ स्क्रैच ना आया हो यार। ये रही वो गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था यार, हालत देखो गाड़ी की और भाई मारुति सुजुकी गाड़ी बिल्कुल मत लेना, हालत देख लो, ये मारुति सुजुकी गाड़ी है और मुझे पहले ही लग रहा था ये इसी कंपनी की गाड़ी है, कि हालत देखो गाड़ी की सॉरी हालत देखो यार इस गाड़ी की, मतलब कितना बुरा क्रैश हुआ होगा यार। और बिल्ड क्वालिटी देखो यार इसकी, मतलब क्या है गाड़ी, पता नहीं क्यों लोग लेते हैं यार। मतलब मुझे एक चीज़ तो पता है कि मारुति सुजुकी लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि यार ये थोड़ी सस्ती पड़ती है और थोड़ी एवरेज ज़्यादा होती है, बट इसमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं है यार। आप देख सकते हो गाड़ी की हालत, स्टेयरिंग जो है वो देखो बीच सेंटर से निकला हुआ है, तो इसलिए प्लीज़ अपनी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचो, पैसों से ज़्यादा भाई सेफ्टी के बारे में सोचो। हालत देखो इस गाड़ी की, साइड से हालत देखो इसकी, भाई कुछ बचा ही नहीं है इसका, पता नहीं वो आदमी बचा होगा या नहीं, बट बुरी हालत होगी गाड़ी की यार। ये रहा वो स्क्रैच, मतलब थोड़ा सा ही हुआ बट मेरी हालत ख़राब होगी ये स्क्रैच देख के भी यार, देख रहे हो। ये टैटू मैं उतार दूंगा यार अब, क्योंकि इसको भी हो गया, इसकी वजह से भी थोड़ी बाइक बच गई और यहाँ से भी थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है यार, बड़ा बुरा लग रहा है, यहाँ से भी उखड़ गई थोड़ी।
और साइड पे स्क्रैच आया था, बट वो होता ना अपर लेयर लगती है प्लास्टिक की, तो उसकी वजह से मतलब साइड पे कुछ हुआ नहीं, बट यहाँ पे ये स्क्रैच आ गया, इसकी वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई। मुझे इतना सा स्क्रैच भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और मेरे घुटने में भी लगा वो। तो चलते हैं यार घर, ये मैं घर जाके सो जाऊँगा भाई, ये गम मैं भूल नहीं पाऊँगा काफ़ी दिनों तक।